हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का 8th स्टैंडर्ड का नया लेसन जिसका नाम है द प्लेट ऑफ गोल्ड। तो हम स्टार्ट करते हैं। द प्लेट ऑफ गोल्ड, गोल्ड यानी कि सोना, और वो जो प्लेट थी ना वो किससे बनी हुई थी? गोल्ड सोने से बनी हुई थी। बट वो प्लेट कहाँ से आई थी और किसके लिए आई थी वो पूरे हम ये स्टोरी में देखेंगे कि पूरे लेसन में क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वन डे देयर फेल इन ग्रेट बनारस टेम्पल कोर्ट। एक दिन क्या हुआ बनारस में, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड इज स्पेलिंग टू डी रॉन्ग। बनारस में क्या हुआ, एक टेम्पल था, मंदिर था, उसके टेम्पल के आंगन में, जो टेम्पल रहता है स्टार्टिंग का, वहाँ पे कुछ हुआ था। अब वो क्या हुआ था हम देखते हैं। अ वंडरस प्लेट ऑफ गोल्ड वेर इन दिस वर्ड्स वर राइट। उस क्या हुआ, टेम्पल कोर्ट यानी कि जो टेम्पल का स्टार्टिंग डोर था ना, जो दरवाजा रहता है टेम्पल के, वहाँ पे प्लेट ऑफ गोल्ड मतलब थाली गिरी थी गोल्ड से बनी हुई, और उस पर कुछ लिखा हुआ था। अब वो क्या लिखा था हम देखेंगे। टू हिम हु लवेथ बेस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन देयर इट। उस पर क्या लिखा था, लवेथ बेस्ट अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन, मतलब जो भगवान से ज्यादा प्यार करता है उनके लिए ये गिफ्ट आया सीधा हेवन से, हेवन यानी कि स्वर्ग से। द प्रिस्ट मेड प्रोक्लेमेशन। द प्रिस्ट यानी कि जो मंदिर का जो पंडित रहता है ना, उन्होंने क्या किया कि जो मंदिर के बाहर निकलते उन्होंने प्रोक्लेमेशन यानी कि पब्लिक अनाउंसमेंट, यहाँ पे देखो मीनिंग लिखा प्रोक्लेमेशन मतलब अ पब्लिक स्टेटमेंट, मतलब वहाँ पे वो खड़े रह के जहाँ जिस सब लोगों को इकट्ठा किया जितने भी लोग थे, और उनको उनके सामने एक मतलब उनको कुछ बोला, स्टेटमेंट बोला, कि क्या बोला वो हम आगे देखते। एट द मिड डे आर ईच डे लेट दोज असेंबल हु फॉर वर्च्यू डीम, मतलब आफ्टरनून टाइम जो सुबह का और दोपहर का दोनों का बीच का होता है ना, उसको क्या बोलते हैं मिड डे। तो वो टाइम पे उन्होंने क्या बोला कि मतलब जो भी आ रहा है भगवान को, भगवान का दर्शन करने या फिर प्रार्थना करने, तब हम लोग देखेंगे कि ये जो गिफ्ट है भगवान से दिया हुआ वो एक्चुअल में किसका है। डीम यानी कि कंसिडर रिगार्ड, मतलब ये गिफ्ट किसका, हम तभी हमें पता चल जाएगा। फॉर वर्च्यू डीम दे आर राइट टू हेवेंस गिफ्ट द बेस्ट, मतलब इसमें इसका मीनिंग है कि मतलब ये किसका गिफ्ट है जो डायरेक्ट स्वर्ग से नीचे आया है उनको देने के लिए एज अ गिफ्ट। एंड वी विल हियर द डीड्स ऑफ मर्सी डन एंड सो एडजज। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि ऐसा कौन है जो मतलब बहुत दयालु है और जो हर एक अपनी चीज एडजस्ट करता है, हर एक चीज को अच्छे से सॉल्व करता है, और एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझता है और सबका सोल्यूशन निकालने के लिए कोशिश करता है, और हमेशा अपना प्रॉब्लम नहीं देखता है, दूसरों का प्रॉब्लम भी देखता है। तो ऐसा कौन इंसान है जिसका भगवान ने स्वर्ग से ही डायरेक्ट उसके लिए गिफ्ट भेजा है धरती पर, और वो हमें भी क्या करना है, देखना है वो इंसान को। द न्यूज मतलब ये जो प्लेट ऑफ गोल्ड की बात थी वो चारों तरफ क्या हो गई, फैलने लगी। रैन स्विफ्ट एज लाइट एंड सून फ्रॉम एवरी क्वार्टर केम, मतलब ऐसे फैली जैसे कि मतलब हर जगह रोशनी फैलती है ना, वैसे ये न्यूज भी क्या हो गई, फटाफट फैलने लगी, एवरी क्वार्टर करें आने लग गए। नोबल्स एंड मुंशीज, हर्मेट, स्कॉलर्स, होली मैन एंड ऑल रिनाउंड फॉर ग्रेशियस, मतलब नोबल्स यानी कि जो अमीर लोग थे वो भी आने लगे, मुंशीज यानी कि जो सरपंच ये सब रहते वो भी आने लगे, हर्मिट्स यानी कि जो हर एक मंदिर के पंडित थे, मतलब जहाँ जहाँ पे न्यूज फैली थी वो पंडित भी आने लगे थे। एंड स्कॉलर्स एंड होली मैन, मतलब जो प्योर पर्सन है यानी कि जो एकदम शुद्ध है वो भी आने लगे थे, और रिनाउंड मतलब बहुत फेमस है, दयालु है, सब क्या करने थे आने लगे थे, देखते मतलब देखने के लिए कि ये जो प्लेट ऑफ गोल्ड है वो हमारे लिए है कि नहीं है, वो सब चेक करने के लिए आए थे। ग्रेशियस और फॉर स्प्लेंडेड डीड्स, मतलब बहुत सारे लोग आए थे वो देखने के लिए कि ये आखिर में गिफ्ट जो भगवान से मिल रहा है वो एक्चुअल में किसका है। Meanwhile, the priest in Solomon Council sat and heard,
मतलब फिर उसके बाद जो मतलब जो पंडित था वो बैठा और मतलब सीरियसली क्या करने लगा, काउंसिल करने लगा, मतलब सुनने लगा हर एक की बात. वॉट ईच हैड डन टू मेरिट बेस्ट द गिफ्ट ऑफ हेवन, मतलब वो सोचने लगा कि इतने सारे लोग आए, अभी हमें कैसे पता चलेगा कि ये गिफ्ट एक्चुअल में किसका है. तो वो क्या करने लगा, डिस्कस करने लगा. सो फॉर अ ईयर द क्लेमेंट्स केम एंड वेंट, फिर बहुत सारे लोग आए और आके गए भी. क्लेमेंट्स यानी कि दोज हु स्टेट द राइट टू गेट समथिंग, मतलब ऐसे लोग, मतलब अभी इतने सारे लोग आए तो पंडित को जज कैसे करेगा कि ये आखिर में इसका कोई गलत इंसान के पास भी वो प्लेट ऑफ गोल्ड जा सकता है. तो मतलब पंडित जी को जज करना था एक्चुअल में कि राइट इंसान को ये राइट चीज मिलनी चाहिए. एट लास्ट आफ्टर अ पेशेंट वेइंग फॉर द वर्थ ऑफ ऑल, मतलब सब इतने पेशेंट थे, उनके पास पेशेंस नहीं था. मतलब पंडित जी सोच रहे थे ना कि आखिर उनको कैसे कैसे हमें मालूम पड़ेगी एक्चुअल में गिफ्ट किसका है. तो सब लोग वेट कर रहे थे कि पंडित जी आके हमें कब बोलेंगे कि ये वेट गिफ्ट किसका है. तो उसका सब क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे. द प्रिस्ट बेस्ट ऑफ द प्लेट ऑफ गोल्ड ऑन वन हु सीन द लार्जेस्ट लवर ऑफ द रेस. इसमें क्या बोला है कि मतलब जो पंडित जी था वो मंदिर का, उसने क्या क्या गिफ्ट, मतलब जो प्लेट ऑफ गोल्ड गिफ्ट मिला था ना, उसने क्या क्या, जो भी इंसान मतलब जो भी पर्सन आए थे ना हर एक जगह से, उनको उनके हाथ में क्या दिया, वो प्लेट ऑफ गोल्ड दिया. तो फिर उसके थ्रू उनको पता चलेगा कि ये प्लेट ऑफ गोल्ड किसका है. जो भी भगवान से ज्यादा प्यार करता था और अच्छा इंसान था उसको ही वो क्या मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा. Whose whole estate within the year had been parted among the poor. मतलब उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने अपने लिए नहीं जी, बट वो किसी और के लिए जिया. मतलब हर एक जो पुअर लोग हैं उनकी उनकी हेल्प की, जिसको मतलब किसी चीज की कमी थी उनको कंप्लीट करके दिया, अपनी लाइफ उनके उनको इंजॉय करने दिया. फिर वो अपनी हैप्पीनेस अलग रखे और उनको हर चीज़ के लिए हेल्प किए. तो अपनी हैप्पीनेस क्या किए, हर एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए अमॉन्ग द पुअर, मतलब पुअर लोग के साथ अपनी हैप्पीनेस उन्होंने क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया. वही भगवान का क्या हो सकता है, सबसे प्यारा इंसान हो सकता है. और उन्हें क्या मिलेगा, प्लेट ऑफ गोल्ड मिलेगा. दिस मैन ऑल ट्रेम्बलिंग विथ हिज जॉय, और जितने भी इंसान थे ना सब कोशिश कर रहे थे कि काश वो ब्लेस इंसान, मतलब भगवान का प्यारा इंसान मैं ही हो. सब ऐसे अपने अंदर क्या कर रहे थे, सोच रहे थे. ट्रेमलिंग यानी कि खुशी से कांपना, मतलब सब हैप्पीनेस से कांप रहे थे बिकॉज वो गोल्ड की प्लेट पकड़ रहे थे ना. एडवांस टू टेक द गोल्डन प्लेट व्हेन लो एट हिज फिंगर्स फर्स्ट टच, मतलब जब हर एक इंसान को उन्होंने क्या बोला था, पंडित जी ने आओ और प्लेट को क्या करो, टच करो. तो सब बहुत एक्साइटेड थे और उनका हाथ बहुत कांप रहा था. बिकॉज क्यों हाथ कांप रहा था, बिकॉज वो प्लेट ऑफ गोल्ड को क्या करने वाले थे, पकड़ने वाले थे. एट हिज फिंगर्स फर्स्ट टच इट चेंज टू बीस्ट लीड, और फिर इसके बाद क्या हुआ, जो भी इंसान वो प्लेट ऑफ गोल्ड को पकड़ता था ना, तो क्या हो जाता था, प्लेट ऑफ गोल्ड का रंग क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था नॉर्मल कलर. जैसे हमारे घर पे जो प्लेट रहती है ना, उस प्लेट में क्या हो जाता था, कन्वर्ट हो जाता था. तो इसका मीनिंग क्या है, जब वो कलर मतलब गोल्ड चेंज होता था लीड में, तो उसका मीनिंग है कि वो भगवान का प्यारा इंसान नहीं है. मतलब भगवान जो चाहते थे उसने वैसा कुछ भी नहीं किया. तो मतलब ये प्लेट ऑफ गोल्ड उस इंसान या उस पर्सन का नहीं है. All stood aghast, but when the helpless claimed drop it cleaning on the floor, सब क्या हो गए, aghast यानी कि सब शॉक हो गए. बिकॉज उन्होंने देखा ना, फर्स्ट टाइम देखा कि कोई प्लेट, गोल्ड प्लेट ऐसे अचानक चेंज हो सकती है, मैजिक हुआ सबके सामने. तो सब क्या हो गए, शॉक हो गए. और जिस इंसान के हाथ में वो प्लेट ऑफ गोल्ड था, तो उसने जैसे ही देखा कि कलर चेंज हो गया गोल्ड का, तो उसके हाथ से क्या हो गया, वो प्लेट नीचे गिर गया फ्लोर पे, जमीन पे. हेवन ग्रूडन वॉज अगेन ट्रांसफॉर्म टू शाइनिंग गोल्ड, और जैसे ही वो जमीन पे, मतलब ग्रूडन यानी कि गिफ्ट, जो है भगवान का जो गिफ्ट था, जो स्वर्ग से जो गिफ्ट आया था, वो वैसे ही वो इंसान के हाथ से नीचे गिर गया ना, तो वैसे ही वो वापस किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, शाइनिंग प्लेट, जो गोल्ड का प्लेट था ना, उसमें वापस ट्रांसफॉर्म हो. मतलब वो इंसान के हाथ में था तो वो
लीड बन गया, और जैसे ही उसके हाथ से नीचे गिर गया तो जो पहले था वैसे ही वापस बन गया। तो सब ये मैजिक उन्होंने सबने फर्स्ट टाइम देखा था। सो फार अनदर 12 months सेट ही प्रिस्ट एंड जज, मतलब वैसे ही क्या हो गया, एक साल 12 महीना निकल गया, 12 महीना यानी कि वैसे ही करते करते एक साल निकल गया। प्रिस्ट मतलब प्रिस्ट थे अभी तक कुछ, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर में है तो है किसका। ट्राइस दे अवॉर्डेड, ट्राइस डिड हेवन रिफ्यूज द गिफ्ट, मतलब उन्होंने कितनी बार कोशिश की, पूरा दिन कोशिश करते रहे बट किसी को भी ये अवार्ड, किसी को भी ये गिफ्ट अभी तक नहीं मिला। मेन माइल अ होस्ट ऑफ पुअर मेमेन बेगर्स इन द स्ट्रीट ले ऑल अबाउट द टेम्पल गेट। मीन वाइल मतलब जो मंदिर के बाहर हम लोग देखे रहेंगे, बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर के बाहर सीढ़ियों के ऊपर बहुत सारे पुअर यानी कि गरीब लोग और जो बेगर्स है जो भीख मांगते वो सब क्या करते हैं, वहां पे बैठे रहते हैं मंदिर मंदिर के सीढ़ियों पे। फिर बहुत कम लोग उन्हें खाना देते या फिर पैसा देते, तो वो वहीं पे क्या करते थे, मतलब उन लोग बैठे थे। इन होप टू मूव दैट लव वेयर बाय सच क्लेमेंट होप टू विन द गिफ्ट, और मतलब उनको भी ये न्यूज़ पता था कि मतलब मंदिर के अंदर है बट वो अंदर नहीं जा सकते थे बिकॉज वो पुअर थे और बेगस थे। तो उनको एक उम्मीद थी कि काश वो लवेद इंसान, मतलब वो प्यारा इंसान मैं ही हूँ और वो प्लेट ऑफ गोल्ड क्या करे मुझे ही मिले, बट वो पुअर थे तो उसके वजह से वो मंदिर में नहीं जा सकते थे। एंड वेल फॉर देम इट वॉज इफ गोल्ड बी चैरिटी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब उन्होंने क्या बोला कि अगर सपोज किसी को भी ये गिफ्ट, कोई भी इंसान भगवान का प्यारा नहीं हुआ, ऐसे ही मतलब सब लोग आते रहे और किसी को भी ये प्लेट ऑफ गोल्ड नहीं मिला, तो काश ये प्लेट ऑफ गोल्ड कोई इंसान बहुत अच्छा इंसान हो जो पुअर इंसान को क्या करे एज अ चैरिटी, मतलब एज अ चैरिटी उनको दे दे या फिर उसके थ्रू उनको कुछ भी पैसा या कुछ भी दे जो पुअर या बेगर्स की जरूरत है। फॉर एवरी पिलग्रीम टू द टेम्पल गेट प्रेस गॉड, और जितने भी यात्री मतलब जो भी यात्री थे ना, यात्री इन द सेंस जो भी दर्शन करने के लिए आते मंदिर में उन्हें यात्री बोलते, तो जो भी आते थे उनको जब ये न्यूज पता चलती थी तो सब लोग ट्राई करते थे वो प्लेट ऑफ गोल्ड को पकड़ के, बट वो ट्रांसफॉर्म हो जाती थी लीड में तो उनका उम्मीद उनका होप क्या हो जाता था, टूट जाता था। दैट लव माइट थस अप्रूव इटसेल्फ बिफोर द टेस्ट, तो उन लोग क्या सोचते थे कि मैं सोचता हूँ कि मैं अभी हम लोग हमारा टेस्ट होने के पहले ही उन लोग क्या सोचते थे कि मैं भगवान का बहुत प्यारा इंसान हूँ ऐसे बोलते थे। फिर जैसे ही उन लोग प्लेट को पकड़ते थे तो उनको पता चल जाता था कि मैं भगवान का प्यारा इंसान मतलब प्यारा ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ, बिकॉज वो अगर प्यारा रहते तो मतलब भगवान के प्यारे रहते तो वो गोल्ड प्लेट ऑफ गोल्ड चेंज नहीं होता। एंड सो कॉइन्स रेन फ्रीली इन द outstretched hands, और फिर सब लोग ने क्या किया अपना अपना हाथ क्या किया वो प्लेट ऑफ गोल्ड की तरफ फैलाया चेक करने के लिए कि क्या मैं भगवान का प्यारा इंसान हूँ कि नहीं हूँ। बट नन ऑफ दोज हु गेव सो मच एज टर्न टू लुक इन टू द पुअर एंड सैड आईज ऑफ दैट बैग। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मंदिर जी के बाहर एक बहुत सारे पुअर थे, तो एक ह्यूमन बीन आ रहा था, वो बहुत अच्छा हार्टेड था, उसको मतलब बहुत दयालु भी था। तो उसने फिर एक इंसान को देखा कि मतलब वहाँ पे सब लोग एक दूसरे मतलब जो लोग आते उनसे क्या मांगते, भीख मांगते रहते, खाना मांगते रहते, तो फिर बहुत कम लोग उनको क्या देते, खाना देते, ये सब क्या करते उन लोग अपना हाथ फैलाते दूसरों के सामने। तो फिर एक अच्छा इंसान आया दयालु, तो उसने क्या देखा एक पुअर इंसान के आंख में क्या देखा, उसने आंसू देखा, और फिर वो क्या सोचा अगर सपोज मैं अंदर जाके वो प्लेट ऑफ गोल्ड अगर मेरे 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 हिस्से का रहेगा, अगर वो प्लेट ऑफ गोल्ड मेरा रहेगा तो मैं क्या करूंगा ये प्लेट ऑफ गोल्ड को पुअर लोग में क्या करूंगा दे दूंगा। ऐसा एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीन आया था मंदिर में।
एंड नाउ द सेकेंड ईयर हैड ऑलमोस्ट पास्ड बट स्टिल द प्लेट ऑफ गोल्ड. और दो साल खत्म हो गए थे तो भी वो मतलब प्लेट ऑफ गोल्ड किसी को भी अभी तक नहीं मिला था. जो मतलब जो सोच के आया था वो भी क्या हुआ, तब भी वो फेल हो गया कि उसको नहीं मिला. मतलब जो पुअर इंसान के प्रति उसके उसके लिए दयालु बन के आया था तो उसके उसके हिस्से में भी वो प्लेट ऑफ गोल्ड नहीं था. तो ऐसे करते करते 2 साल बीत गए, तभी भी प्लेट ऑफ गोल्ड किसी को भी नहीं मिला. By whom sover touch was turned to lid. जो भी उसको टच करता था वो क्या कन्वर्ट हो जाता था, ढक्कन, मतलब लीड यानी कि ढक्कन में कन्वर्ट हो जाता था. At length there came a simple peasant. और उसके बाद कुछ दिन के बाद एक सिंपल इंसान, सिंपल पीजेंट एकदम बहुत सिंपल इंसान वहाँ पे आया. Not aware of that strange contents for the gift of God. और जो इंसान आया था ना मंदिर में, उसको पता नहीं था कि ये मंदिर में इस चीज के लिए बात चल रही है, मतलब प्लेट ऑफ गोल्ड जो भगवान की तरफ से गिफ्ट है ऐसा कुछ चल रहा है वो मंदिर में, जो मंदिर में. तो वो इंसान को ऐसा कुछ भी नहीं पता था, वो सिर्फ भगवान का दर्शन करने आया था. टू पे अ वाव विद इन द टेम्पल, वो सिर्फ भगवान के दर्शन करने आया था हाथ जोड़ के. As he passed along the line of shriveled beggars, all his soul was moved with him to sweet pity and the tears welled up and trembled in his eyes. जो इंसान आया था ना जिसको पता नहीं था कि ऐसे मतलब मंदिर जी में गिफ्ट के बारे में कुछ बात चल रही है, वो इंसान जैसे ही मंदिर के सीढ़ियों पे चल रहा था वैसे उसने भिखारी लोग को देखा. और वहाँ पे एक भिखारी था जो बहुत मतलब बहुत बूढ़ा था और उसको कुछ प्रॉब्लम भी थी, उसको कोई कुछ दे भी नहीं रहा था और उसको शायद ठंडी भी लग रही थी. तो फिर वो जो पीसेंट इंसान जो बहुत अच्छा इंसान था ना उसकी तरफ देखकर है ना उसका हाथ क्या हो गया, वो एकदम कांपने लग गया. जो बेगर था ना वो एकदम कांप रहा था अपने आप को, क्योंकि वो बूढ़ा था तो कांप रहा था. तो वो एक अच्छा इंसान आया, प्योर इंसान जो दूसरों के लिए सोचता है, तो वो आके उन्होंने वो मतलब ओल्ड मैन को देखा जो भीख मांगते हुए उसका हाथ कांप रहा है. तो उसके हाथ से क्या वो इंसान को क्या हो गया, जो प्योर सोल था ना मतलब प्योर इंसान था उसको क्या हो गया, उसके आंखों में आंसू आने लगे और वो मतलब एकदम सोचने लगा कि मतलब ऐसे इंसान मतलब वर्ल्ड में कोई भी इंसान किसी को भी हेल्प करने के लिए क्या, मतलब वो कोई भी इंसान एक दूसरे की हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है उसके बुरे वक्त में, सिर्फ अपना सोचते. तो वो ऐसा प्योर सोल सोच रहा था और उसके आँख में क्या आने लगे, आंसू आने लगे. नाउ बाय द टेम्पल गेट देर ले अ पुअर सोर क्रिएचर ब्लाइंड एंड शन बाय ऑल. और वहाँ पे एक बेगर था, मतलब एक भिखारी था जिसको कुछ दिखाई नहीं देता था और वो एकदम ब्लाइंड था. और मतलब शन यानी कि यहाँ पे देखो मीनिंग है अवॉइडेड एंड रिजेक्टेड, मतलब उसको सब लोग क्या कर रहे थे, अवॉइड मतलब उसके सामने उसके तरफ देख नहीं रहे थे, उसकी बात को अनसुना कर रहे थे, उसको जो भी हो रहा है उसको उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे. ऐसे अलग अलग भिखारी लोग को वो प्योर सोल ने मतलब प्योर इंसान ने वहाँ पे देखा. बट वेन द पीसेंट केम एंड सॉ द स्लाइटलेस फेस एंड ट्रेवलिंग मूवमेंट हैंड्स ही कुड नॉट पास. और फिर जैसे ही वो प्योर सोल आया ना धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे सीढ़ी पे चढ़ता गया, तो वैसे ही उसने देखा कि वो इंसान बहुत अच्छा है बट उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है ये सब. फिर उसने क्या देखा कि मतलब एक बूढ़ा था जो भीख मांग रहा था, उसकी तबीयत बहुत खराब थी और वो ब्लाइंड भी था. तो वो मतलब मंदिर के पास में ही वहाँ पे क्या हुआ था, सोया था चद्दर ओढ़ के, बहुत उसकी तबीयत खराब थी. तो वो प्योर पर्सन उसके पास गया और उसको क्या बोलता है, ही कुड नॉट पास, वो मतलब ऐसा वो कुछ नहीं कर सकता बिकॉज वो खुद अपनी तबीयत ठीक नहीं कर सकता बिकॉज उसके पास पैसा नहीं और ना ही कोई हेल्प करने वाला है. बट नेल्ट एंड टुक बोथ पाम्स इन हिज हैंड. फिर वो प्योर पर्सन क्या हुआ, उसके पास गया, उसके पास आके नीचे बैठा. बट नेट मतलब वो अपने घुटनों पे उसके पास जाके बैठा और उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ पकड़ा और उसने धीरे से बोला, ओ दो माय ब्रदर, ओ मतलब वो बोला कि मेरे भाई तू डर मत, मैं तेरे लिए हूँ, मैं कुछ भी करके तेरा मतलब तेरी तबीयत जल्द से जल्द ठीक कर दूंगा.
बियर दाई ट्रबल्स ब्रेवली, मतलब तू डर मत, तू वो जो भी तेरे सामने जो मुसीबत आई उसको तू कैसे भी करके एकदम स्ट्रांगली उस वो मुसीबत का सामना कर। गॉड इज गुड, भगवान अच्छे है, भगवान किसी के साथ भी बुरा नहीं करेंगे, अच्छे के साथ अच्छा ही करेंगे। Then he arose and walked straight away across the court. फिर वो मतलब धीरे से उठा और स्ट्रेट डायरेक्ट इसके अंदर मतलब कहाँ पे गया, मंदिर के अंदर गया। And entered where they prangled of their deeds of love before the priest. और फिर धीरे से वो गया वहाँ पे मंदिर के अंदर और फिर उसने wrangled यानी कि argued angrily, फिर उसने मतलब किसी को बोला कि मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। जब मतलब प्रिस्ट उसके पास आ रहे थे तभी उसने पूछा कि मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों इतनी मतलब बोलते ना क्यों इतनी भीड़ है, किस चीज के लिए, बिकॉज उसको पता नहीं था कि मंदिर में क्या चल रहा है। अ व्हाइल ही लिसन्ड सैडली देन हैड टर्न अवे बट समथिंग मूव द प्रिस्ट हु हैल्ड द प्लेट ऑफ गोल्ड टू बिगेन टू द पीसेंट। फिर उसके बाद उसने धीरे से सुना कि मतलब ये क्या मतलब किस बात पे तुम लोग इतना इतनी चर्चा कर रहे हो, तो उसने सुना। फिर उसके बाद जो पंडित जी थे ना वो धीरे से मतलब वो प्योर पर्सन के पास आए और उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने मतलब पंडित जी ने वो इंसान को प्योर पर्सन को बुलाया और फिर उनसे ये सब बात मतलब जो था ना प्लेट ऑफ गोल्ड के बारे में वो सब बात वो प्योर पर्सन को बताई। सो ही केम Not understanding and obeyed and stretched his hand and looked the scared vessels. और फिर जो pure person था ना उसको ऐसा कुछ समझ में नहीं, उसको नहीं समझ में आया कि सच में ऐसा कुछ होता है, बिकॉज उसने देखा नहीं था ना प्लेट ऑफ गोल्ड को चेंज होते हुए, तो उसने वो उसको समझ में नहीं आया कि सच में ऐसा कुछ होता है। फिर उसने एकदम शॉक होके क्या गया, अपना हाथ स्ट्रेच अपना हाथ क्या किया वो प्लेट ऑफ गोल्ड की तरफ बढ़ाया और फिर उन्होंने पंडित जी ने क्या किया प्लेट ऑफ गोल्ड उसके हाथ के ऊपर रखा। It shone with thrice its former luster and amazed them all. फिर उसके बाद उनको क्या पता चला कि फिर जैसे ही वो प्योर पर्सन ने अपने हाथ में प्लेट ऑफ गोल्ड ली थी ना तो वो प्लेट ऑफ गोल्ड का कलर मतलब जो लीड में चेंज होता है ना वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, वो वैसे के वैसे गोल्ड में ही रहा। तब जाके सबको पता चला कि एक्चुअल में प्लेट ऑफ गोल्ड वो प्योर पर्सन के लिए ही बनी थी। Son cried, the priest rejoiced, the gift of God is thine. और जिसको ये प्लेट ऑफ गोल्ड मिली थी ना वो क्या हो गया पंडित जी के सामने रोने लगा और फिर पंडित जी ने उसको रिचर्ज मतलब उसको सजेशन दिया कि तू ही वो इंसान है जिस तू ही वो ऐसा इंसान है जो गिफ्ट के लायक है, मतलब गिफ्ट ही एक्चुअल में तेरा ही है। दो लव इज बेस्ट एंड ऑल मेड आंसर्स, मतलब देख हम लोग को भी आंसर मिल गया कि मतलब भगवान एक्चुअल में ये प्लेट ऑफ गोल्ड किसे देना चाहते थे। इट इज वेल एंड वन बाय वन डिपार्टेड, फिर जैसे सबको धीरे धीरे पता चल गया तो फिर क्या हो गया सब लोग अपने अपने काम पे अपने अपने जगह पे जाने लगे। बट द पीसेंट नेल्ट एंड प्रेड, और जो इंसान मतलब जो पीसेंट इंसान को जो फार्मर था ना वो पीसेंट इंसान कौन था, फार्मर था जो खेती बाड़ी करता था, वो एक प्योर पर्सन था, वो खुद के बारे में भी सोचता था और सबको हेल्प करने के बारे में भी सोचता था। तो फिर वो गया प्लेट ऑफ गोल्ड लेकर भगवान के पास, अब घुटनों पे बैठा और भगवान के सामने क्या क्या हाथ जोड़ा और अपना सर झुकाया और भगवान को थैंक यू बोला कि ये गिफ्ट मुझे देने के लिए कि आप मेरे को इतना ज़्यादा प्यार करते हो, मेरे को एक अच्छा इंसान समझते हो और मैं ये अब हम रहेंगे तो ही हमें गिफ्ट मिलेगा ना, तो वो है भी। और फिर वो उन्होंने ये भी बोला कि मैं हूँ और मैं हमेशा रहूँगा और मैं हमेशा सबकी हेल्प करता रहूँगा। बोइंग इज हेड अबाउट द गोल्डन प्लेट, वो गोल्डन प्लेट को लेकर भगवान के सामने क्या किया अपना सर झुकाया। वाइल ओवर ही सोल लाइक मॉर्निंग स्ट्रीम द लव ऑफ गॉड, और फिर वो मतलब उसका जो सोल मतलब उसकी जो आत्मा है वो एकदम क्या प्योर है और वो एकदम उसको वो आत्मा को भगवान क्या करते हैं बहुत प्यार करते हैं और वो हमेशा करते रहेंगे और हमेशा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे। और वो भी जो प्योर पर्सन है मतलब जो फार्मर है वो भी हमेशा प्योर रहेगा और हमेशा सबकी हेल्प करता रहेगा।
तो पूरे लेसन में क्या था कि हमें हमेशा अच्छा रहना चाहिए, हमेशा सबकी हेल्प करना चाहिए, हमें भी हमें भगवान का क्या बनना है, लवेड पर्सन, मतलब भगवान भी हमें क्या करना चाहिए, बहुत प्यार करना चाहिए, और हमें हमेशा सबके बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए, और हमेशा हमेशा जो चीज़ हमें मिले उसके लिए हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें कुछ नया चीज़ ट्राई करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे प्लेट ऑफ गोल्ड मिल रहा था तो सब क्या समझ रहे थे कि मैं भगवान का बहुत प्यारा इंसान हूँ, प्यारा इंसान हूँ। उनको हालांकि पता रहेगा कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, बिकॉज उन्होंने भी कुछ अच्छे काम किए रहेंगे और कुछ बुरे भी काम किए रहेंगे, तो भगवान तो उनके ही हैं, भगवान उनको ही प्यार करते ज़्यादा जो बहुत अच्छा काम करते। तो देन टू उन लोग प्लेट ऑफ गोल्ड की तरफ, क्योंकि उनको प्लेट ऑफ गोल्ड चाहिए था ना, तो उसकी तरफ सब क्या कर रहे थे, भाग रहे थे। तो ये पूरे लेसन में हमें पता चलता है कि जो चीज़ जो अच्छा रहता है, मतलब जिस जो हमेशा सबके लिए अच्छा सोचता है उसका ही उसका ज़्यादा अच्छा होता है, और उसको भगवान से बहुत सारी अच्छी गिफ्ट भी मिलती है।